हेलो गाइस, मैं अभी हूँ गीतानगर की डेयरी फार्म और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेस क्या चलता है, कैसे दूध निकालते हैं, क्या दाना पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। काउस जो है वो काउ शेड में है अभी, ये लोग अभी खा रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, कितने क्यूट है, कितने अलग अलग रंग के हैं यहाँ पर। देखेंगे कि काउस क्या खाते हैं। ये पानी में बॉइल करके हम इन लोगों को खिलाते हैं। ये लोग बॉइल्ड हो रहा है अभी, इसे उन लोगों को खिलाएंगे, इसीलिए देते हैं। ये भी ये लोग खाते हैं। यहाँ पे हम इन गाय का मेंटेनेंस करते हैं, साफ सुथरा डेली इनको नहाना धोना और इनके जगह को जैसे साफ रखना, इनके हाइजीनिक कंडीशन को ध्यान रखते हुए इनका दाना पानी भी टाइम पे देते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये जो इनके हर एक गाय के कान में एक स्टिकर टाइप का लगा हुआ है, ये है सरकारी हिसाब में कितने गाय है हमारे पास, और उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि हमारे पास कितने गाय है और कितने गाय ने बच्चा दिया है, और ये एक रिकॉर्ड वो सरकारी तौर पे मेंटेन किया जाता है। इसलिए स्टिकर हर एक गाय के कान पे आप देख रहे होंगे। और इनका इनके स्वास्थ्य के लिए हम इनका एक वैक्सीनेशन कराते हैं, साल में एक बार वैक्सीनेशन कराते हैं हम इनका, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अच्छा, तो ये हम यहाँ पर खाना पानी, यहाँ पर दाना पानी मतलब बॉइल हो रहा है अभी, यहाँ पर बना रहे हैं। और यहाँ पर अभी वो अंकल है ना, वो अभी करने वाला है, लाइक दूध निकाले वाला है गाय से। पहले उन्हें लाइक वॉश कर देते हैं जहाँ से निकालते हैं, इसके बाद उनसे देख सकते हैं अभी वॉश कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद वो दूध निकालते हैं। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी वो दूध निकाल रहे हैं अंकल, आप देखते हैं कि कैसे दूध निकालते हैं।
हमारे यहाँ पे जितने गाय हैं इनमें मोस्टली तीन वेराइटी है, एक साहियाल है, एचएफ है और देसी जर्सी है। और इनमें से जितने हैं सारे एक साथ दूध का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, कोई जैसे प्रेग्नेंट है तो उनसे वो निकलेगा नहीं, तो प्रेजेंटली इनमें से पांच या छह ही फिलहाल दूध प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक दिन में लगभग 32 से 35 लीटर का दूध इनमें से आ जाता है, मिल जाता है हमको। ठीक है, थैंक यू। हम दूध ले रहे हैं। पैकेट में रख रहे हैं। दोनों पैकेट की तरफ हम सभी जा रहे हैं घर पे। बहुत मजा आया देख के कैसे दाना पानी क्या पीता है वो सब देख के। अब हम चलते हैं। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।